गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल माई क्यूट होम गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप आइस प्लांट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। और इसकी कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान है, बट कटिंग ग्रो करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कटिंग आपको कैसे लेनी है, किस तरह की सोइल में उसको ग्रो करना है। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल माई क्यूट होम गार्डन को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल आइस प्लांट है, जिसको हम कटिंग से और सील्ड से दोनों से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप इसको कटिंग से जो है वो कैसे ग्रो करने वाले हैं और एक प्लांट से आप सैकड़ों प्लांट जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आइस प्लांट में कैसे, आप देखिए, एक ही प्लांट जो होता है, एक ही ब्रांच से बहुत सारी, देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक ब्रांच है। इस एक ब्रांच के अंदर ये देखिए, ये एक ब्रांच है और इस एक ब्रांच में आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे थे, मतलब हर ब्रांच में एक नया प्लांट है, ये आप मान के चल लीजिए। तो इन्हीं सबको जो है वो मैं ग्रो करने वाला हूं आज। तो कटिंग लेना बड़ा आसान, और देखिए एक आइस प्लांट में हम सैकड़ों सैकड़ों कहूँ कि प्लांट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी कटिंग लेते हैं, और कटिंग कैसे लेनी है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं चाहूं तो ये देखिए, यहां से आपको अगर ये नजर आ रहा होगा, ये अपने आप में एक प्लांट है और ये बहुत इजीली ग्रो हो जाएगा। तो अगर इसको आपको ग्रो करना है तो ये जो कॉर्नर है, यहां से आप इसको इस टाइप से पिंच कर लीजिए। अगर पिंच ना हो तो प्रूनर का जो यूज है आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रूनर ले लिया और ये कोने से आप इसको प्रूनर की हेल्प से कट कर दीजिए। तो आपको दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल आइस प्लांट की तरह ही नजर आ रहा है। और इसी को मैं सोइल में लगा दूंगा तो ये बहुत ही आसानी से जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो मैं एप्सी काफी कटिंग ले लेता हूं और फिर आपको ग्रो करके दिखाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, एक के अंदर ही कितने सारे आपको नजर आ रहे होंगे, एक के अंदर कितने सारे प्लांट है, ये देखिए अलग अलग। तो यहां से मैं बहुत सारी कटिंग्स जो है वो लेने वाला हूं ताकि मैं इनको ग्रो कर पाऊं और इनको बहुत ही आसानी से जो है मल्टीप्लाई कर पाऊं। तो ये देखिए कितने सारे प्लांट इसके अंदर से निकलते हैं, ये फैलता जाता है। तो आप इसकी कटिंग जो है वो लगा लीजिए और इसको मल्टीपल करिए, और अपने गमले के अंदर बहुत सारे सुंदर फूल आपको नजर आएंगे। देखिए ऐसा कुछ दिखाई देता है, ये बुके की तरह नजर आएगा आपको। तो मैं सारी कटिंग्स जो है वो लेता हूँ और फिर इनको ग्रो करता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी अपडेट के साथ जो है दिखाया जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो कटिंग है वो मैंने ले ली है, और देखिए इस पर कितने ब्यूटीफुल से जो क्रिस्टल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत क्रिस्टल से आपको नजर आ रहे होंगे उसके ऊपर, इसीलिए इसको आइस प्लांट कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है ऐसे क्रिस्टल से नजर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात कर लेता हूँ सोइल की। तो सोइल आपको बिल्कुल सिंपल सोइल लेनी है, आप गार्डन सोइल ले लीजिए, उसके अंदर जो है सैंड मिक्स कर लीजिए, किसी भी तरह की खाद जो है आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो सोइल है वो मैंने तैयार कर चुका हूं मैं इसकी सोइल, और एक एक करके जो है वो मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दीजिएगा, ऊपर से थोड़ी सी सूखी मिट्टी डाल दीजिएगा ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो सौगी ना हो जाए। तो एक एक करके जो है वो मैं अपनी जितनी भी कटिंग्स हैं उन सबको लगा दूंगा, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि कोई भी लकड़ी ले लेंगे और इसके अंदर जो है हम कुछ होल्स बना लेंगे जितने भी डिस्टेंस पे आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं कुछ ऐसा डिस्टेंस जो है वो बना रहा हूँ इनके अंदर इक्वल सा, और जितनी भी कटिंग मैं ग्रो करना चाहता हूँ वो सारी कटिंग मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक एक करके। तो फ्रेंड्स, अपनी कटिंग जो है वो हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये वाली कटिंग मैं लगा देता हूँ, और देखिए
बस कुछ नहीं करना है। ये कटिंग आप देख सकते हैं, पत्ते टच ना होने दीजिए, सिंपल से लगा देनी है, बहुत जल्दी जो है आपको ग्रो हो जाएगा ये। ये देखिए, तो एक कटिंग जो है वो मैंने लगा दी है, ऐसे ही करके मैं सारी जो कटिंग्स हैं अपनी लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारी कटिंग जो है वो मैंने इसके अंदर लगा दी है। तो अब इसके अंदर आपने पहले तो मॉइस्ट कर दिया है, तो इसके अंदर पानी आप बिल्कुल भी मत डालिएगा, और इसको जो है वो आप पार्शल शेड में रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल डार्क में मत रखिए, पार्शल शेड में इसको रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जब इसके अंदर रूटिंग और फ्लावरिंग हो जाएगी तब तक का अपडेट जो है आपको दिखाया जाएगा, और बहुत ही जल्दी जो है कम से कम 7 से 10 दिन के बीच में इसमें रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 25 से 30 दिन के बाद जो हमने आइस प्लांट कटिंग से ग्रो किया था उसके अंदर कुछ के अंदर जो है वो रूटिंग होनी शुरू हो गई। और देखिए, आप दिखा सकता हूँ आपको, जो कुछ है उसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए, इस वाले के अंदर जो रूटिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए आप, तो आपको बिल्कुल क्लियरली इसमें मैंने बस आपको दिखाने के लिए निकाला है। ये देखिए, ये छोटी सी रूट आपको नजर आ रही होगी इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रूटिंग जो है इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है, टूट ना जाए। ये देखिए, ये वाली जो रूट है आपको क्लियरली नजर आ रही होगी। तो लगभग 25 से 30 दिन के बाद जब आप आइस प्लांट को कटिंग से ग्रो करते हैं तो वो जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें जो है रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। और देखिए, रूटिंग थोड़ा बाद में होती है पर फ्लावरिंग जो है वो पहले होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो भी आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो चुकी है। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो आइस प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो सनलाइट के अंदर ही ओपन होते हैं, तो अभी ये जो है वो ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये ओपन हो जाएगा। तो देखिए, 25 से 30 दिन के बाद जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, हो जाती है हमारी। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको जो है वो पानी बहुत ज़्यादा ना दें। अगर आप पानी आप देंगे तो, क्योंकि इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, और ख़ासकर जब आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो पानी का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मॉइस्ट बना के रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोगी इसको मत कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी के अंदर जो रूटिंग है, इसके अंदर भी रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलमोस्ट सभी में जो रूटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सभी में आपको निकाल के नहीं दिखा सकता, प्लांट के डाई होने के चांस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप भी अपने आइस प्लांट को जो है कटिंग से ग्रो करेंगे और मल्टीपल करेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।